आज हम बनाएंगे गार्लिक ब्रेड। हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गार्लिक ब्रेड। गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ व्हाइट ब्रेड ले लिए हैं, थोड़ा सा लहसुन है, अनसॉल्टेड अमूल बटर, पेरी पेरी मसाला, ओरिगैनो एंड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा धनिया पत्ती। और यहाँ पर मैंने मोजरेला चीज लिया है। मैंने अब इसमें लहसुन ग्रेट कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी अनसॉल्टेड बटर का एक पीस और थोड़ा सा धनिया पत्ता जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। उसके बाद ओरिगैनो, अ बिट ऑफ चिल्ली फ्लेक्स, थोड़ा सा, आप इसमें नमक डाल सकते हैं स्वाद अनुसार। वैसे मैं अनसॉल्टेड बटर यूज कर रही हूँ इसलिए मैं नमक डाल दूंगी, लेकिन अगर आपका बटर में ऑलरेडी सॉल्ट है तो आप नमक स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पेरी पेरी मसाला है इसमें भी सॉल्ट होता है और फिर जो हम चीज यूज करने वाले हैं चीज में भी सॉल्ट होता ही है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्ट जो है कम ज्यादा कर सकते हैं। अब मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करूंगी। थोड़ा सा बटर लगाऊंगी पैन में। मैंने यहाँ पर चीज ग्रेट करके रख लिया है। अब मैं ये चीज ब्रेड पे लगाऊंगी इस तरीके से, इवनली सारी जगह पे स्प्रेड कर दूंगी। उसके बाद इसके ऊपर एक और ब्रेड स्लाइस से कवर कर दूंगी और इसको पैन में रख दूंगी। इसको दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट, गोल्डन ब्राउन होने तक सेक देंगे इसे। और यहाँ पर मैं इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा बटर लगा दूंगी। मैंने यहाँ पर इस साइड बटर लगा दिया है। मैंने अपना पेरी पेरी मसाला इसमें ट्रांसफर कर दिया ताकि मुझे डालने में इजी हो। अब मैं इसमें पेरी पेरी मसाला डाल दूंगी। और उसके बाद अपनी ब्रेड को फ्लिप कर दूंगी टिल इट गेट्स गोल्डन ब्राउन और हमारा अंदर जो हमने चीज डाला है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। अब मैंने ब्रेड फ्लिप कर दिया और मैंने दूसरी साइड पे बटर लगाना है। और दूसरी साइड भी पेरी पेरी मसाला स्प्रिंकल कर देना है। आप चाहें तो स्पून की हेल्प से भी डाल सकते हैं, बट मुझे ये स्प्रिंकल करने का तरीका ज्यादा इजी लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर की साइड से पूरा गोल्डन ब्राउन हो गई है और मैं इसे फ्लिप करके चेक कर लेती हूँ उधर की साइड भी गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। उसके बाद अब मैं इसे पैन से उठा के प्लेट में ट्रांसफर कर लूंगी और अब इसे काट के देखते हैं। हमारी गार्लिक ब्रेड तैयार हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं अंदर से काफी चीजी है ये। अवर गार्लिक ब्रेड इज रेडी टू ईट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।